केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेंजीन के रिएक्शंस देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे। सब्स्टिट्यूशन इसमें आपके पास होता ये था कि आपके पास एक बेंजीन रिंग होता था जिसके साथ आप एक किसी एजेंट को रिएक्ट करवाते थे, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली रिएक्ट करवाते थे, ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो किसी एक लोकेशन के ऊपर आके अटैच हो जाता था आपके पास, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाता था एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करके, और वहाँ पे साथ एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता था, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये हम लोग मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ तरीके से प्रिपेयर किया करते थे। आपने देखा था कि सबसे एंड पे हम लोगों ने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ख़त्म किए थे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें आपके पास अल्काइलेशन थी, यानी आप एक अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपके पास अल्काइल ग्रुप बजाते खुद होता है, ठीक है। और फिर आपने एसाइलेशन देखी थी या अल्केनोइलेशन जिस भी हम इसको बोलते हैं, अल्केनोइलेशन, जिसमें अल्केनाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप आप अटैच करते हो, जो कि बेसिकली आपके पास ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसको एज एन इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करके आप कार्बन के ऊपर जब अटैच कर देते हो तो समथिंग लाइक दिस, आपके पास कार्बोनाइल एंड आगे अल्काइल चेन लगी हुई होती है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके पास ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल होता है और आपकी यूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस तो अब तक आप ख़त्म कर चुके हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो थे, अब आप देखोगे बेसिकली एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस अब आप देखोगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस जो है ना वो तो आपके पास बॉन्ड्स का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आगे आपके पास एक अल्काइल चेन है, इधर भी आपके पास अल्काइल चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं दो, तो अगर तो एडिशन रिएक्शन है तो इस बात का मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों लोकेशंस पे दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके एडिशन रिएक्शंस कुछ इस सॉर्ट के होते हैं कि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जो इससे पहले आपने रिएक्शंस देखे थे ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनके अंदर बॉन्ड्स आपके पास ब्रेक नहीं हो रहे थे, देखो आपके पास रिप्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ से एक एच जो होता था वो हट जाता था और उस एच की जगह पे आके पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता था, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस में आपके पास चार किस्म के एडिशन रिएक्शंस नॉर्मली शो होते हैं, जो बहुत कम एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शंस कम होने की वजह क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। बेंजीन जो है ना, हमने बात की थी बेंजीन इज हाईली स्टेबल, ठीक है, और जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो और हम लोग बेंजीन के डबल बॉन्ड्स अगर ब्रेक करें, एडिशन रिएक्शंस का मतलब ये है कि हम बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को या बेंजीन के रिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे होगा ये कि हम लोग अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ स्टेबल कंपाउंड इन टू एन अनस्टेबल थिंग, सो नॉर्मली आपके पास एडिशन रिएक्शंस बहुत ही रेयर होते हैं, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आपके पास बेंजीन इज हाईली स्टेबल एंड इट इज़ बेसिकली हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स। तो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स को हमने ख़त्म नहीं करना, अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर आपके पास स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं रहेगी। तो बेसिकली आपके पास एडिशन रिएक्शंस में आज हम लोग तीन रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग जो देखेंगे वो है आपके पास सिंपल हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन जो कि हम पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हुए हैं, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन में आप देखो बेसिकली हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हो, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब आपने हाइड्रोजन ऐड करना होता है तो आप बेंजीन रिंग के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आप पहले ये रिएक्शन देख चुके हो, मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला जो टॉपिक है ना इसी चैप्टर के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेंजीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन बनता है, ठीक है, आपके तीनों डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। और वैसे बेंजीन में आपके पास हर लोकेशन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है, और आपके पास साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि हर लोकेशन पे आपके पास तीन तीन हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी तीन तीन कह रहा हूँ,
हर लोकेशन पे आपके कार्बन लोकेशन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, हर लोकेशन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, एच एच, और इस तरह का आपके पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। और इस प्रोसेस में हमने पहले भी बात की थी कि आपके पास हीट जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि बेंजीन के केस में हम लोगों ने कहा था कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है फॉर बेंजीन वो कितनी होती है, डेल्टा एच फॉर बेंजीन इज बेसिकली इक्वल टू 208 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। इसको नेगेटिव से इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लोहेक्सेन है ना, एनर्जी डायग्राम के ऊपर ये नीचे होता है या ऊपर होता है, एनर्जी डायग्राम जो थी ना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, उसके ऊपर सबसे बॉटम पे था आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास था बेंजीन, यहाँ पे ऊपर करके कहीं पे। इसका मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ओवरऑल रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। अगर तो आपका साइक्लोहेक्सेन जो है वो यहाँ पे करके कहीं पे होता ना, तो इसका मतलब है अब आपको कंटिन्यूसली हीट देनी पड़ेगी और उस केस में आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, मिलती है, ठीक है। और सेकेंडली इस रिएक्शन के बारे में आपको ये बता दूं कि इसमें जो कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो ना, वो आप यूज़ करते हो प्लेटिनम, ठीक है, और प्लेटिनम को आप किसी एसिड के अंदर यूज़ करते हो, और डैट एसिड कुड बी एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल। एसिड्स की स्पेशलिटी ये है कि ये प्रोटॉन जनरेट करते हैं, और हमें इस रिएक्शन में बेसिकली प्रोटॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज आपने देखो एच अटैच करने हैं ढेर सारे। तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन का हम नहीं डिस्कस करें, अलबत्ता इसमें आपको एच प्लस की ज़रूरत होती है। तो एच प्लस या हाइड्रोनियम आइंस की जगह बात करो, एच थ्री ओ आपके पास अगर आ जाए, हाइड्रोनियम एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में अगर आ जाए हाइड्रोजन, या आपके पास एसिड की फॉर्म में आ जाए, तो एक तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप सिंपली निकल को 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करके, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। या इसके अलावा पलेडियम को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या आप रेने निकल को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मुख्तलिफ हाइड्रोजनेशन जब आप करते हो ना बेसिकली, तो आपके पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हम लोग लास्ट बहुत सारे चैप्टर 8 के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजनेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है, ठीक है। तो इस केस में भी बेसिकली ये रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन जो आप कर रहे हो, ये मुख्तलिफ अंदाज में की जा सकती है यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, एंड प्रोडक्ट सारे केसेस में साइक्लोहेक्सेन ही आपके पास बनेगा। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो आज हम देख रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, वो है हेलोजन, हेलोजिनेशन, और इसमें भी आपके पास बेसिकली बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, और इस वजह से हम इसको एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। इसमें होता आपके पास क्या है कि आपके पास एक बेंजीनो रिंग है, जिसमें आपके पास ऑल्टरनेट लोकेशंस पे कॉन्जुगेटेबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर लेट्स से के 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अगर मैं अटैच कर दूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए थे, हर लोकेशन के ऊपर एक एच तो पहले से लगा हुआ था ना, एक एच पहले से लगा हुआ था, ये एक एच तो हर लोकेशन पे पहले से है, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ। और आपके पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स भी थे। अब होगा ये कि जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये वाला, इन दो लोकेशंस के ऊपर एक एक बॉन्ड खाली बच गया है, तो यहाँ पे आपके पास एक एक सी एल आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 Cl के एटम्स आके अटैच हो जाएंगे, एंड जब ये थर्ड बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास अगेन यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ओवरऑल हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने अल्केन्स की क्लोरीनेशन की थी, इट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में नॉर्मली आपकी क्लोरीनेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। ब्रोमिनेशन में आपके पास क्या होगा कि अगेन एग्जैक्टली यही सारा मैकेनिज्म होगा, ठीक है, और उसमें आपके पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इसको डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इट वुड बी समवट लाइक हर लोकेशन पे एक एक एच, एंड साथ में हर लोकेशन पे एक एक ब्रोमीन भी आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपके मैंने 3 Br साथ में लिखा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। एक हमेशा मैं बात पहले भी करता हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो आपके
फ्लोरीन है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव, तो नॉर्मली फ्लोरिनेशन हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन. और जो आयोडीन आपके पास है, आयोडीन, इट गिव्स वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए. तो नॉर्मली हम लोग हर केस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है. और ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, हम अगर इनको नाम देना चाहें तो हम इनको क्या नाम देंगे, ये बेसिकली साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है. और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर आपके पास छः लोकेशंस के ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. या आप यूँ कह लो कि बेंजीन के ऊपर आपने छः क्लोरो ग्रुप्स लगा दिए हैं, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा हेक्सा ब्रोमो बेंजीन, हेक्सा ब्रोमो बेंजीन इसको मैं बोलूँगा, ठीक है. बेसिकली इसको हेक्सा ब्रोमो बेंजीन नहीं बोलना चाहिए, बट इट इज़ मैंशनड इन जो बुक, सो आई एम कॉलिंग इट फॉर द रीज़न कि अब इसके डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं और अब इसके अंदर बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सो आई शुड नॉट कॉल इट हेक्सा ब्रोमो या हेक्सा क्लोरो बेंजीन या हेक्सा ब्रोमो बेंजीन, या बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं. इसका जो नाम मुझे देखना चाहिए ना टेक्निकली, वो कुछ ऐसा होना चाहिए. देखो अगर मैं नंबरिंग करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास इन छः की छः लोकेशंस पे छः ब्रोमो एटम्स लगे हुए हैं. सो इसको मैं बोलूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. एंड देन अनदर कॉमा, बल्कि इस लोकेशन जब मैं आगे वो लिखना चाह रहा हूँ तो आई शुड पुट अ हाइफन IUPAC सिस्टम के मुताबिक. एंड देन बेसिकली देर आर हेक्सा, ठीक है, ब्रोमो, हेक्सा ब्रोमो, यानी छः दफ़ा आपके पास ब्रोमो ग्रुप्स लगे हुए हैं, हेक्सा ब्रोमो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन. बेसिकली है तो ये हेक्सेन ना और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन तो मैंने लिखना ही है, ठीक है. और उससे पीछे मैंने हेक्सा ब्रोमो इस वजह से अटैच किया बिकॉज आपके इन छह लोकेशंस के ऊपर छह ब्रोमो एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है. इसी तरह मैं जो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है इसको मैं नाम दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, नॉट हेक्सा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है. दिस इज अ रॉन्ग नेम, नॉट एन IUPAC नेम ऑफ कोर्स. इसके बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे रिएक्शन पे, एडिशन रिएक्शन जो आज हम लोगों ने देखना है, एंड दैट इज बेसिकली सिंपल कंबशन. कंबशन इज़ बेसिकली नॉट ओनली ए काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन. कंबशन इससे पहले भी आप देख चुके हो कि कंबशन में इफ़ यू टेक एनी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और अगर उसकी कंप्लीट कंबशन हो तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है कि आपके पास कंबशन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, इट कुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली वाटर अलॉन्ग विद इट, ठीक है. अब डिपेंड्स के अगर तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन हो रही है तो ये प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है. अगर आपके पास कोई सल्फर प्रोडक्ट है, सल्फर की कोई है, उसकी अगर आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन, कंबशन कर रहे हो, तो फिर आपके पास सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे, SO2 बनेगा, SO3 बनेगा. सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके पास CO2 और H2O बने, ठीक है. इट डिपेंड्स के अब चूंकि हाइड्रोकार्बन में होता ही H और C है, तो इसलिए आपके पास CO2 और H2O बन जाता है, और साथ में आपके पास हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी प्रोड्यूस होती है, डेल्टा एच सी लेट्स कॉल इट, ठीक है. और दिस रिएक्शन इज बेसिकली एक्सोथर्मिक, ठीक है. और इफ आई वॉन्ट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ बेंजीन, तो आपके पास C6H6, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं लिखना प्रेफर करूंगा बिकॉज आपका फाइनल प्रोडक्ट इज मॉलिक्यूलर नेचर का है, के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑफ कोर्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे रिएक्शन को इफ यू वॉन्ट टू बैलेंस, सो यू कैन बैलेंस इट वेरी इजिली. हाउ? देर आर सिक्स कार्बन ओवर हियर, यू पुट सिक्स ओवर हियर, ठीक है, और देर आर बेसिकली सिक्स हाइड्रोजन ओवर हियर, तो यहाँ पे आप थ्री पुट कर दो ताकि छः पूरे हो जाए हाइड्रोजन. अब देखो कि अब सिर्फ ऑक्सीजन का मसला रह गया. ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 6 2s are 12, और इसमें कितने हैं, 3 1s are 3, 12 and 3 15, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 को 15 बनाने के लिए 7.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2C6H6 plus 15 oxygen molecules are going to give 12 carbon dioxides and 6 water molecules along with certain amount of energy, which is the enthalpy of combustion.
सो दैट इज़ इट फॉर एडिशन रिएक्शंस ऑफ जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं. इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शंस बेसिकली स्टार्ट होंगे. आज जो हमने बातें की हैं ये तो सारी आपको वैसे भी पता ही होंगी. इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन देखेंगे, बेंजीन की किस तरीके से ऑक्सीडेशन की जाती है, ठीक है, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. वैसे तो आपको मैंने बताया था कि बेंजीन जो है इट इज़ नॉर्मली ऑक्सीडेशन अल्कीन्स की कैसे की जाती है ऑक्सीडेशन, अल्कीन्स और अल्काइन्स की ऑक्सीडेशन इफ़ यू रिमेंबर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या बेयर्स रीजेंट जिसको मैंने बोला था, बेयर्स रीजेंट के प्रेजेंस में आप करते हो, ठीक है, और बेयर्स रीजेंट के अंदर से KMnO4 का जो मैंगनीज 7 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मैंगनीज 4 के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है. मैंगनीज 7 जो आयन है ये आपके पास पर्पल कलर्ड होता है या पिंक कलर्ड होता है, मैंगनीज 4 इज ब्राउन कलर्ड. सो आपको ये पता चल जाता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ा हुआ है. और सेकेंडली आपके पास ये होता है कि आपका प्रोडक्ट टोटली चेंज हो जाता है. लेकिन बेंजीन जो होता है ये KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता. ये से लास्ट टाइम भी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के केस में बताया था कि बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4, ठीक है. सो बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. हम कुछ और तरीकों से इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और हाइड्रोलिसिस के थ्रू फिर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है. सेकेंडली हम लोग फिर ऑक्सीडेशन में मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे. एक हम लोग ओजोनोलिसिस भी उसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपको इन दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरीके से ऑक्सीडेशन होती है बेंजीन की.